वन प्लस अपने प्रत्येक साल दो स्मार्टफोन लेकर के आते हो, बहुत ज्यादा कमाल के स्मार्टफोन होते हैं। इस बार वन प्लस अपनी 8 सीरीज को लॉन्च करने वाला है। ये जो 8 सीरीज है वो 14 अप्रैल को लॉन्च होने वाली है। 8 सीरीज में आपको वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो जैसे स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा आपको दोस्तों इनकी प्राइस और स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या कुछ नया लेकर के आ रहा है ये दोनों स्मार्टफोन। चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तव टेक चैनल पे। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो में दोनों में बहुत ज्यादा चीजें सेम देखने को मिल जाती है। कुछ चीजें अलग अलग है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको कवर करके बता दूंगा, साथ साथ वीडियो के साथ ही कवर करता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा यहाँ पे वन प्लस 8 प्रो के बारे में, क्योंकि जो वन प्लस 8 प्रो में वो सारी चीजें आपको वन प्लस 8 में भी देखने को मिल जाती है। तो डालेंगे दोस्तों नजर वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो के दोनों के बैक पैनल पर। तो यहाँ पे वन प्लस 8 में यहाँ पे आपको बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। ये आपको बीच में कैमरे देखने को मिल जाते हैं वर्टिकल शेप में, और नीचे आपको वन प्लस की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है जो दिखने में काफी ज्यादा कमाल की लगती है। वहीं दोस्तों बात करें हम लोग यहाँ पे वन प्लस 8 प्रो की, तो यहाँ पे आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, और ये भी आपको बीच में ही कैमरे देखने को मिलेंगे वर्टिकल शेप में। तो यहाँ पे भी आपको दोस्तों वन प्लस की वारंटी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं जो बैक पैनल है काफी ज्यादा अच्छा लगता है दिखने में, क्योंकि इसका जो ग्रीन कलर है वो काफी ज्यादा प्यारा लगता है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बाकी यहाँ पे ये दो कलर में और आता है, ओवरऑल मतलब आपको ये तीन कलर में देखने को मिल जाता है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों वन प्लस 8 में 6.55 इंच की यहाँ पे फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये डिस्प्ले आपको 1900 रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिलती है, और ये डिस्प्ले आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और पंच होल के साथ आती है, मतलब आपको लेफ्ट में टॉप पर मिनी वाला कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ पे वन प्लस 8 प्रो की डिस्प्ले की, यहाँ पे आपको 6.78 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये डिस्प्ले दोस्तों आपको 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिलती है, और क्वाड डिस्प्ले देखने को मिलती है, मतलब चारों तरफ दोस्तों आपको यहाँ पे कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा दिखने में प्यारी लगती है। जब आप यूज करते हैं तो काफी ज्यादा कमाल की रहने वाली है। और ये डिस्प्ले भी आपको दोस्तों मैं बता दूं कि एमोलेड डिस्प्ले है, और यहाँ पे भी आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको लेफ्ट में टॉप पर मिनी कैमरा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या अंतर दिया गया डिस्प्ले में, यहाँ पे डिस्प्ले वन प्लस 8 प्रो की थोड़ी सी बड़ी है, वहीं वन प्लस 8 की थोड़ी सी कम है, बाकी सारी चीजें सेम है दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है दोनों ही डिस्प्ले आपको यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एक ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन की तरफ से यहाँ पे लेटेस्ट प्रोसेसर है, और ये दोस्तों 5G को सपोर्ट करता है। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, इन द सेंस ये है कि ये जो दोनों स्मार्टफोन है वो 5G स्मार्टफोन रहने वाले हैं। वैसे दोस्तों कैसी लग रही है आपको ये वीडियो हमें कमेंट में बताइए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो दोस्तों बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे इनके कैमरास की, तो मैं बताना चाहूंगा वन प्लस 8 में आपको बैक में ट्रिपल कैमरे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे रियर सेंसर 48 मेगापिक्सल का दिया गया है, अगेन आपको 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का दोस्तों यहाँ पे आपको डेप्थ सेंसिंग देखने को मिलता है। वही बात करें दोस्तों वन प्लस 8 प्रो के कैमरास की, तो बैक में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 4 कैमरे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे जो कैमरे देखने को मिल रहा है वो 48 मेगापिक्सल का यहाँ पे रियर सेंसर देखने को मिल रहा है, और ये आपको मैं बता दूं सोनी का IMX689 वाला सेंसर देखने को मिल रहा है, जो कि सोनी की तरफ से इस टाइम पर लेटेस्ट सेंसर है। वही दोस्तों दूसरे कैमरे की बात करें तो ये भी आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, ये भी दोस्तों सोनी का IMX586 वाला सेंसर देखने को मिलता है। अब जो तीसरा कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है, और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं 30x डिजिटल जूम है, मतलब आप बहुत दूर की फोटो बहुत पास से क्लिक कर पाएंगे। और लास्ट कैमरा चौथा कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, हो सकता है दोस्तों ये कैमरा आपको डेप्थ सेंसिंग या मोनोलेंस के साथ देखने को मिलता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इस बार जो कैमरे रहने वाले हैं वन प्लस 8 प्रो के वो काफी ज्यादा कमाल के रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम लोगों ने बात करी अभी बैक कैमरे की, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इनके फ्रंट कैमरे की। तो वन प्लस 8 में आपको यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलने वाली है, वही दोस्तों वन प्लस 8 प्रो में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ दोस्तों
हो सकता है OnePlus 8 Pro में आपको 32 मेगापिक्सल के सेल्फी देखने को मिले। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे इनकी बैटरी के बारे में, क्योंकि आपको बताया कि डिस्प्ले काफी ज्यादा कमाल की है तो बैटरी भी अच्छी होनी चाहिए। तो बैटरी की बात करूं तो OnePlus 8 में यहाँ पे आपको 4030 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, वही दोस्तों OnePlus 8 Pro में आपको 4510 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और दोनों ही स्मार्टफोन आपको मैं बता दूं 33 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ आते हैं। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, जो OnePlus 8 है वहां पे आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, वही दोस्तों OnePlus 8 Pro में यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि चार्जिंग जो है OnePlus 8 Pro की काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है कंपैरिजन टू OnePlus 8। दोस्तों आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसकी चार्जिंग रहने वाली है, आपका मोबाइल जो है बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा और बैटरी भी दोस्तों इनफ है 4510 mAh की। तो ओवरऑल दोस्तों आपको बैटरी के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ये कितने रैम वेरिएंट और कितनी प्राइस के साथ आएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि OnePlus 8 जो है वो अभी क्लियर हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंट के साथ, जहां पे आपको 6GB 128GB वेरिएंट देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइस दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ 40,000 से 45,000 रुपए के आसपास होने वाली हो। और वही दोस्तों जो आपको OnePlus 8 Pro है वो आपको दो वेरिएंट में देखने को मिल सकता है, जहां पे आपको 8GB 128GB स्टोरेज मिलेगा, वही दोस्तों 8GB 256GB स्टोरेज मिलेगा। और इसकी प्राइस दोस्तों मैं बात करूं तो यहां पे जो बेस वेरिएंट है इसका 8GB 128GB वाली की प्राइस रहने वाली है वो 50,000 से 55,000 रुपए के आसपास रहने वाली है। ऑब्वियसली दोस्तों आपको पता है कि OnePlus के जो स्मार्टफोन होते हैं वो फ्लेक्सिबल के स्मार्टफोन होते हैं, तो इतनी प्राइस दोस्तों बनती है और इतनी प्राइस के साथ आएंगे, क्योंकि इतनी प्राइस की इसमें स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों ये 5G स्मार्टफोन है आपको पता ही है, लेकिन इंडिया में अभी तक 5G स्मार्टफोन नहीं आया। चलो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और OnePlus 8 की जो सीरीज है जहां पे आपको OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro मिलने वाले हैं उनकी जानकारी मिल गई होगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर से बताइए। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, और चैनल पे बने हुए यहां तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को हिट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए नए नए मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। बाकी और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।